आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। स्पॉन्सर्ड बाय जी इंटीरियर पटना, वी डिजाइन क्रिएट एंड डेकोर। नमस्कार, मैं हूं परितोष और आप देख रहे हैं टीडी टॉप 10 हेडलाइंस। खबरों की शुरुआत बंगाल चुनाव से। पश्चिम बंगाल चुनाव में आज होगा चौथे चरण का मतदान। कुल 44 सीटों पे होगी मतदान, जिसमें 373 प्रत्याशियों के बीच होगा मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बंगाल में आज की 2 रैलियां, वहीं ममता बनर्जी 3 जनसभाओं को करेंगी संबोधित। चौथे चरण में कुंच बिहार में हुई गोलीबारी पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी चेतावनी, कहा कि अमित शाह पर लगाए अंकुश, उनकी वजह से राज्य में है आपसी बैर का खतरा। कुंच बिहार के शीतलकुंज में हुए घटना में पलटवार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस घटना के लिए केवल ममता बनर्जी और उनका दिया हुआ भाषण जिम्मेदार है। क्या आपका वो भाषण वो 4 लोगों के मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? अगर आप वो भाषण न करती कि 4 युवा CRPF पर हमला करने का हिम्मत करते क्या? आपने उनको उकसाकर एक गोलीबारी का कारण दिया। इसी बीच बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने किया 5वें चरण का प्रचार प्रसार। देश में कोरोना का खतरा अब और भी ज्यादा। प्रत्येक दिन 1.25 लाख से पार आ रहे नए मरीज। पिछले 24 घंटे में 1,34,000 नए मामले आए हैं और इस दौरान 780 मरीजों की मौत। देश में कई शहरों में नाइट कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरिद्वार में दूसरी शाही स्नान आज। कोरोना के गाइडलाइन के बावजूद नहीं दिखी कोई सतर्की। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के बीच में कोरोना वैक्सीन की हुई कमी, अब केवल कोविड सेंटर्स पे ही लगेंगे टीके। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि और वैक्सीन आने के बाद प्राइवेट अस्पतालों में भी टीके लगाए जाएंगे। कुरान के 26 आयतों को हटाने की याचिका पे होगी आज सुनवाई। याचक का दावा है कि इन आयतों से देश की एकता एवं अखंडता पे खतरा। देश में चल रहे IPL ने कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुई भिड़ंत, जिसमें कोलकाता ने हैदराबाद को 10 रनों से हराया। आज का मैच राजस्थान और पंजाब के बीच होगा। टीडी टॉप 10 में इतना ही। आप देखते रहे टीडी न्यूज। नमस्कार।